हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर तक हम नरजनन तंत्र के प्रमुख चार भागों को पढ़ चुके हैं, जिनमें से पहला भाग वृषण था, जिसे प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। प्राथमिक जनन अंग क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसके अंदर नरयुग्मक या शुक्राणु बनते हैं। सेकंड भाग अधिवृषण है, जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तीसरा भाग शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी है, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। चौथा भाग मूत्र मार्ग है, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अधिवृषण, शुक्रवाहक, मूत्र मार्ग, ये सभी सहायक जनन अंग कहलाते हैं, यानी ये जनन क्रिया के अंदर सहायक होते हैं, युग्मक निर्माण में सहायक नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें सहायक जनन अंग कहा जाता है। आज हम नरजनन तंत्र में पाई जाने वाली सहायक जनन ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। तो नरजनन तंत्र में तीन प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती है। पहली वाली को शुक्राशय बोला जाता है, दूसरी वाली प्रोस्टेट ग्लैंड है, तीसरी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होती है। शुक्राशय दो होते हैं संख्या में, प्रोस्टेट ग्रंथि संख्या में एक होती है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि संख्या में दो होती है। तो यही याद हमें ध्यान रखना है कि शुक्राशय और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि की संख्या दो दो होती है, जबकि प्रोस्टेट ग्रंथि एक पाई जाती है। इन तीनों के स्त्राव, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इन सभी के स्त्राव, अधिवृषण के स्त्राव और शुक्राणु आपस में मिलकर वीर्य या सीमेन का निर्माण करते हैं। इनके सभी के स्त्राव मिलेंगे आपस में, शुक्राणु इनमें मिलेंगे और इनके मिलने से सीमेन या वीर्य का निर्माण होगा। तो सबसे पहले सहायक जनन ग्रंथि तीन प्रकार की है, तीन प्रकार बताई दिए हमने। एक शुक्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है। ये अपने स्त्राव मूत्र मार्ग में छोड़ती है। इन तीनों के द्वारा अपने स्त्राव को मूत्र मार्ग के अंदर छोड़ दिया जाता है। इनके सभी स्त्राव अधिवृषण के स्त्राव और शुक्राणु, जो शुक्राणु यहां से शुक्रवाहिनी के माध्यम से गए हैं, ये सभी आपस में मिलकर सीमेन या वीर्य का निर्माण करते हैं। अब पहली जो सहायक जनन ग्रंथि है उसका नाम है शुक्राशय। इसकी पोजीशन या स्थिति मूत्राशय की सतह और मलाशय के बीच स्थित होती है, यानी मलाशय इसके आगे की तरफ मूत्राशय पाया जा रहा है, तो मूत्राशय की सतह, ये पिछली सतह मूत्राशय की और ये मलाशय, इसके बीच में ये पॉजिटेड होगी, यानी मलाशय के पास में पाई जा रही है, मलाशय की सतह पर उपस्थित है और मूत्राशय के, मलाशय की सतह के ऊपर और मूत्राशय की सतह पर ये पाई जाती है। ये जो हमें भाग दिखाई दे रहा है, मूत्राशय वाला भाग है, इस पर स्थित होगी, इसके पीछे की तरफ जो है मलाशय पाया जाता है, तो इन दोनों के बीच में ये उपस्थित होगी। एक जोड़ी होती है, यहां में दिखाई दे रही है एक और एक दो, तो इनकी संख्या एक जोड़ी या दो होगी। पीले चिपचिपे तरल का स्त्रवण करती है और इनके द्वारा स्त्रावित जो तरल पदार्थ होगा उसका रंग पीला होता है और यह तरल पदार्थ चिपचिपा होता है, इसके अंदर चिपचिपेपन का गुण पाया जाता है। प्रत्येक शुक्राशय से एक छोटी नलिका निकलती है जो शुक्रवाहिनी के एम्पुला में खुलती है। एम्पुला के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक है और ये जो भाग है, खुला हुआ भाग जो बनाया गया है, ये भाग है एम्पुला। ये एक शुक्रवाहिनी का एम्पुला है, ये दूसरी शुक्रवाहिनी का एम्पुला है, दो एम्पुला होंगे। तो दोनों एम्पुला में ये शुक्राशय एक छोटी नली के द्वारा इसके अंदर खुल जाएगा, ये शुक्राशय इस एम्पुला के अंदर एक छोटी नलिका के द्वारा खुल जाता है। शुक्राशय से एक एक छोटी नलिकाएं निकलेंगी और ये नलिकाएं शुक्रवाहिनी के एम्पुला भाग के अंदर खुल जाती है। एम्पुला भाग पहले हमने पढ़ा है, शुक्रवाहिनी उधर गुहा में मूत्राशय की सतह पर जाकर एक फूली हुई संरचना बनाती है, जिसे हम एम्पुला कहते हैं। इसके बाद शिश्न जब उत्तेजित अवस्था में होता है तो दोनों शुक्राशय एक साथ संकुचित होते हैं। शिश्न की उत्तेजित अवस्था में जनन क्रिया के समय दोनों शुक्राशय एक साथ उत्तेजित होंगे और दोनों शुक्राशय उत्तेजित होकर संकुचित होते हैं, अपने स्त्राव को मुक्त कर देते हैं, एम्पुला वाले भाग के अंदर ही अपने स्त्राव को मुक्त कर देंगे। जब शुक्रवाहिनी का एम्पुला भाग और शुक्राशय की नलिकाएं आपस में मिलती है तो उसे हम बोलते हैं स्खलनीय वाहिनी।
तो ये शुक्राशय संकुचित होकर अपने स्त्रावों को स्खलनीय वाहिनी के अंदर डाल देते हैं, स्खलनीय वाहिनी के अंदर अपने स्त्राव को मुक्त कर देंगे। और दोनों शुक्राशय का स्त्राव वीर्य या सीमेन का 60% भाग बनाता है, यानी जो सीमेन है उसमें 60% भाग शुक्राशय से निकले हुए स्त्रावों का होता है। अब जो स्त्राव इनके द्वारा मुक्त किया जा रहा है उसके अंदर पाए जाने वाले प्रमुख पदार्थ कौन कौन से हैं? पहला पदार्थ होता है फ्रक्टोज, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिंस, तीसरा सेमिनोजेलिन प्रोटीन। ये तीन प्रमुख प्रकार के पदार्थ इस शुक्राशय के द्वारा स्त्रावित होने वाले स्त्राव में होते हैं। फ्रक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिंस एक प्रकार के हार्मोन्स है, फ्रक्टोज एक शुगर है, सेमिनोजेलिन एक प्रकार की प्रोटीन है। तो ये पदार्थ शुक्राशय द्वारा स्त्रावित होने वाले स्त्राव में पाए जाते हैं। अब इनमें से फ्रक्टोज शुक्राणुओं को एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। शुक्राणुओं को जब गति करनी होती है, जब वो सीमेन में भी गति करते हैं, मादा जनन तंत्र के अंदर भी गति करते हैं, तो सीमेन में जो ये शुक्राशय के स्त्राव मिलेंगे उनमें फ्रक्टोज रहेगा और ये फ्रक्टोज शुगर शुक्राणुओं को गति के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा देती है। तो इसका काम है शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करना। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिंस सेमिनोजेलिन जो है वो जनन क्रिया के अंदर विभिन्न क्रियाओं के अंदर सहायता प्रदान करने का काम करते हैं, शुक्राणुओं को एक्टिव बनाने में सहायक हैं, उनके अंदर ये क्रियाशील होते हैं। अब शुक्राशय के द्वारा जो स्त्राव स्त्रावित हो रहा है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी इनके द्वारा जो स्त्राव का स्त्रवण किया जा रहा है उसका नेचर क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का है। और यह बेसिक नेचर का स्त्राव योनि मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करके शुक्राणुओं की सुरक्षा करता है, यानी इसके कारण जो सीमेन है वो बेसिक हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और ये क्षारीय स्त्राव योनि में हमें पता है जीवाणु पाए जाते हैं, उन जीवाणु के कारण योनि मार्ग जो है उसके माध्यम जो है अम्लीय होगा, जो शुक्राणु जब उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो उस अम्लीयता से शुक्राणु नष्ट हो सकते हैं। इसलिए यह स्त्राव योनि मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है, उसे उदासीन बनाता है और उसे उदासीन बनाकर शुक्राणुओं की सुरक्षा करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो ये हमारी पहली ग्रंथि थी जिसे शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल्स कहा जाता है। सिंपल सा याद ही रखना है, दो जोड़ी है, मूत्राशय की पश्च सतह, मूत्राशय की जो सतह है उस पर, और मलाशय पीछे जो है उसके बीच में स्थित है। इस तरह से हम कंडीशन देखें, इधर मलाशय, ये मूत्राशय, इसकी सतह पर ये शुक्राशय जो ग्रंथियां ये पाई जा रही है। दो छोटी नलिकाओं द्वारा एम्पुला से जुड़ी रहेगी, शुक्रवाहिनी के एम्पुला भाग से। जब शुक्रवाहिनी के एम्पुला भाग से जुड़ जाती है तो जो नलिका बनेगी उसे स्खलनीय वाहिनी कहते हैं। इसके द्वारा पीले कलर के चिपचिपे तरल का स्त्रवण किया जाता है। जब शिश्न उत्तेजित अवस्था में है दोनों शुक्राशय संकुचित होकर अपने स्त्रावों को स्खलनीय वाहिनी में मुक्त कर देंगे। यह स्त्राव वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। क्या क्या मिलता है स्त्राव में? फ्रक्टोज शर्करा मिलेगी, प्रोस्टाग्लैंडिंस मिलेंगे, सेमिनोजेलिन प्रोटीन मिलेंगे। फ्रक्टोज शर्करा का कार्य शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करना है। इसके अलावा जो इसकी प्रकृति जो क्षारीय है, इस शुक्राशय से द्वारा स्त्रावित जो स्त्राव है उसकी, तो क्षारीय प्रकृति का यह स्त्राव योनि मार्ग के अंदर जो अम्लीय प्रकृति पाई जा रही है जीवाणुओं के कारण, योनि में कुछ जीवाणु होते हैं योनि मार्ग में, उन जीवाणुओं के कारण वहाँ अम्लीय प्रकृति है, तो उस अम्लीयता को नष्ट करेगा और शुक्राणुओं की सुरक्षा करेगा। इसके बाद सेकंड सहायक जनन ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसकी संख्या एक होती है, पहले हमने बता चुके हैं कि संख्या इसकी एक पाई जाएगी। मूत्र मार्ग के आधार पर स्थित, ये मूत्र मार्ग है तो इसका जो आधार, ये आधार वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, तो इस आधार वाले हिस्से पर ये स्थित होगी। जैसे शिश्न है तो शिश्न के ऊपर और मूत्र मार्ग जो निकल रहा है वहां से ये मूत्र मार्ग निकल रहा है, इसके आधार पर यह प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। संख्या एक होती है। हल्के सफेद क्षारीय तरल पदार्थ का स्त्रवण करेगी, इसके द्वारा हल्के सफेद रंग के क्षारीय तरल पदार्थ का स्त्रवण किया जाता है। इसी के कारण सीमेन का जो कलर है वो सफेद होगा। और वीर्य का या सीमेन का इसके स्त्राव द्वारा 25-30% भाग बनाया जाता है,
60% भाग शुक्राशय ने बनाया था, 25-30% भाग प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्त्रावित स्त्राव के द्वारा बनाया जाता है। अब इसने जो स्त्राव स्त्रावित किया है उसके अंदर फास्फेटेज पाया जाएगा, सिट्रेट मिलेगा, लाइसोजाइम मिलेंगे, फाइब्रिनोलाइसिन मिलेंगे और स्पर्मिन मिलेंगे। ये सभी पदार्थ प्रोस्टेट ग्रंथि से स्त्रावित स्त्राव में पाए जाते हैं। फास्फेटेज है, एंजाइम है, सिट्रेट एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम है, फाइब्रिनोलाइसिन रासायनिक पदार्थ है, स्पर्मिन रासायनिक पदार्थ है, शुक्राणु को एक्टिव करने में सहायक है, जीवाणुओं को मारने में सहायक है, लाइसोजाइम जीवाणुओं को मारता है। तो ये सारे पदार्थ प्रोस्टेट ग्रंथि के स्त्राव में पाए जाते हैं। अब इसके स्त्राव का काम क्या है? ये सारे पदार्थ जो पाए जा रहे हैं उनका काम है शुक्राणुओं को सक्रिय करना। शुक्राणु जब मुक्त होते हैं इस शुक्रवाह नलिका से, वृषण से निकलकर जब जा रहे हैं तो वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, उन्हें सक्रिय करने का काम यह स्त्राव करेगा। और दूसरा वीर्य के स्कंदन को रोकना, जो वीर्य या सीमेन है वो जम नहीं पाए अंदर बॉडी के अंदर, इसका जमाव नहीं हो, इसकी क्लॉटिंग नहीं हो, तो उसके स्कंदन को रोकने का काम भी इन पदार्थों के द्वारा या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि के स्त्राव के द्वारा किया जाता है। तो दो ग्रंथियां हमने अभी पढ़ी है, एक शुक्राशय है, दूसरी प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट की पोजीशन संख्या एक है, जो मूत्र मार्ग है उसके आधार में स्थित है, क्षारीय प्रकृति का स्त्राव स्त्रावित करते हैं, तरल स्त्रावित करते हैं, वीर्य का 25-30% ये भाग बनाया। इसके स्त्राव में फास्फेटेज, सिट्रेट, लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन और स्पर्मिन होंगे। इस स्त्राव का काम है शुक्राणुओं को सक्रिय बनाना और वीर्य की क्लॉटिंग को या स्कंदन को शरीर के अंदर रोकना। ये प्रोसेस इस प्रोस्टेट ग्रंथि के स्त्राव द्वारा की जाती है। तो इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मनुष्य के नरजनन तंत्र में तीसरी सहायक जनन ग्रंथि बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि होती है। इन ग्रंथियों का ही दूसरा नाम काउपर ग्रंथि होता है, यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि को ही काउपर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इसकी स्थिति प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे और मूत्र मार्ग के पार्श्व भाग में स्थित होती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसके नीचे पाई जा रही है, ये मूत्र मार्ग है, इसके पार्श्व भाग है लैटरल भाग। जैसे मूत्र मार्ग निकल रहा है तो इसके साइड में ये उपस्थित है, जैसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग के पार्श्व भाग में ये उपस्थित होगी। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे और मूत्र मार्ग की साइड में ये उपस्थित होती है। संख्या में दो और अंडाकार होती है, एक और दो, दो संख्या दिख रही है और अंडाकार इनकी आकृति होगी। मैथुन क्रिया के समय इनके द्वारा गाढ़ा चिपचिपा क्षारीय पदार्थ स्त्रावित किया जाता है। जब कॉपुलेशन क्रिया होती है या जनन क्रिया होती है उस समय पर इन ग्रंथियों के द्वारा गाढ़ा चिपचिपा क्षारीय तरल पदार्थ स्त्रावित किया जाएगा, जो सीमेन का भाग बनाता है। अब 60% हमारे शुक्राशय ने बनाया था, 20-25% प्रोस्टेट ग्रंथि ने बनाया था, यानी लगभग 80% भाग उन दोनों ग्रंथियों ने बना दिया। तो 20% भाग जो सीमेन का है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों के द्वारा बनाया जाता है। अब इसके स्त्राव के क्या कार्य है? पहला कार्य है मूत्र मार्ग को चिकना बनाना। ये जो मूत्र मार्ग है इसको चिकना बनाने का काम करेगी, जिससे शुक्राणुओं का जो गमन है वो इस मूत्र मार्ग में से आसानी से संपन्न हो सके। सेकंड, मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करके उसे हल्का क्षारीय या उदासीन बनाना। यानी ये जो मूत्र मार्ग है इस मूत्र मार्ग से ही मूत्र का निष्कासन होता है, तो मूत्र के निष्कासन के कारण यह अम्लीय होता है, क्योंकि मूत्र अम्लीय होता है। तो उस अम्लीयता को नष्ट किया जाता है इन ग्रंथियों के द्वारा, स्त्रावित स्त्राव के द्वारा, और उस अम्लीयता को नष्ट करके इस मार्ग को उदासीन या हल्का क्षारीय बनाया जाता है। क्योंकि शुक्राणुओं को अधिक अम्लीयता में नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इस मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करके इसे उदासीन या हल्का क्षारीय इस बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर ग्रंथि के स्त्राव बनाते हैं। तीसरा कार्य
मादा की योनि को चिकना करके मैथुन क्रिया को सरल बनाना। इनका जो स्त्राव है जो सीमेन में जाकर मिलेगा वह मादा के जनन भाग जनन अंग योनि को चिकना बनाता है, जिससे कि मैथुन की जो प्रोसेस है वो सरल तरीके से संपन्न हो सके। जब उसमें चिकनाहट रहेगी योनि मार्ग में तो मैथुन क्रिया आसानी से होगी, किसी प्रकार का घर्षण उत्पन्न नहीं होगा, तो उस मैथुन क्रिया को सरल बनाने का काम इनका स्त्राव करेगा। तो तीन प्रकार की सहायक जनन ग्रंथि हमने इसमें पढ़ी है, सबसे पहली शुक्राशय थी, दूसरी प्रोस्टेट ग्रंथि थी, तीसरी बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि थी। शुक्राशय ग्रंथि का स्त्राव सीमेन का लगभग 60% भाग बना रहा है, प्रोस्टेट ग्रंथि का स्त्राव 20-25 बना रहा है, और लगभग 15-20% भाग बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का स्त्राव बनाएगा। इनका स्त्राव एपिडिडाइमिस का स्त्राव शुक्राणु आपस में मिलकर सीमेन बना लेते हैं। तो ये सहायक जनन ग्रंथियां इसमें कंप्लीट होती है, ये तीनों नर जनन तंत्र के अंदर पाई जाने वाली सहायक जनन ग्रंथियां होती है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम शिश्न की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जो नर के अंदर जो नर जनन अंग या मैथुन अंग पाया जा रहा है जिसे शिश्न कहा जाता है, उसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नर जनन तंत्र में हम इसकी प्रमुख पांच संरचनाओं का अध्ययन कर चुके हैं। इसकी पहली संरचना वृषण थी, दूसरी स्ट्रक्चर अधिवृषण, तीसरी संरचना शुक्रवाहक, चौथी संरचना मूत्रमार्ग थी, पांचवी संरचना सहायक जनन ग्रंथियां थी। अब इसकी आज हमें लास्ट संरचना स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है, जिसे हम शिश्न कहते हैं, यानी नर जनन तंत्र का लास्ट भाग है, इसके बाद नर जनन तंत्र कंप्लीट होता है। तो शिश्न के अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि शिश्न वृषण कोश के बीच में उदर से लटका हुआ लंबा बेलनाकार मैथुन अंग होता है, यानी ये शिश्न वृषण कोश के बीच में पाया जा रहा है, उदर से या उदर गुहा से लटका हुआ होता है, ऊपर की तरफ उदर से जुड़ा हुआ है, उदर गुहा से लटका हुआ होता है, लंबा बेलनाकार, इसके अलावा एक उच्छाई या इरेक्टाइल अंग है, उच्छाई या इसे ही बोला जाता है इरेक्टाइल। इरेक्टाइल का मतलब है जिसमें बड़ा होने और छोटे होने की क्षमता पाई जाती है, उस प्रकार का यह अंग है, यानी इसका आकार बड़ा हो सकता है, इसका आकार छोटा हो सकता है, इसलिए इस गुण को उच्छाई या इरेक्टाइल कहते हैं। तो पहली विशेषता यह है मैथुन अंग है, स्थिति इसकी उदर गुहा से उदर से लटका हुआ होता है, दोनों वृषण कोश के बीच में ये पाया जाता है, मैथुन क्रिया में सहायक है, इसलिए इसको मैथुन अंग नाम दिया गया है। शिश्न की जो बॉडी या काय है, यानी ये पूरा जो शिश्न हमें दिख रहा है, शिश्न से बोला जाता है शिश्न काय। शिश्न काय का निर्माण तंतुमय और पेशीय संयोजी ऊतकों की तीन स्पंजी अनुलंब डोरियों से होता है, यानी ये जो शिश्न है पूरा इसका शरीर या शिश्न की पूरी संरचना तीन डोरियों से बनी होती है, जो तंतुमय होती है, पेशीय संयोजी ऊतक से बनी होती है और स्पंजी होती है, यानी ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर तीन डोरियां पाई जाती है, इस तरह की तीन डोरियां इसके अंदर उपस्थित होगी इस बॉडी में, जिससे शिश्नकाय का निर्माण होगा। इन डोरियों की विशेषता है तंतु में है, इनके अंदर फिलामेंट या तंतु पाए जाएंगे, पेशीय संयोजी ऊतक से बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, मसल्स वाले कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, और अनुलंब डोरियां हैं, इस तरह की अनुलंब डोरियां हैं, इसलिए इन्हें अनुलंब डोरियां नाम दिया है। तो अंदर की तरफ तीन अनुलंब डोरियां इसके अंदर पाई जाती है, जो शिश्नकाय का या शिश्न की बॉडी का निर्माण करती है। अब इसके अंदर जो डोरिया है उसमें पृष्ठ भाग में उपस्थित डोरिया, पृष्ठ भाग का मतलब है जैसे शिश्न वाला भाग है तो पीछे वाले भाग में जो उपस्थित डोरिया होंगी उन्हें कारपोरा कैवर्नोसा कहते हैं, और पीछे वाले भाग के अंदर डोरियों की संख्या दो होती है, तो
पृष्ठभाग में उपस्थित डोरिया दो होती है, कार्पोरा कैवर्नोसा कहलाती है। अदर भाग में एक डोरी उपस्थित है, ये दो पृष्ठभाग में है, अदर भाग में आगे की तरफ इसमें एक डोरी उपस्थित होगी जिसे कॉर्पस स्पंजियोसम कहते हैं। इसकी यदि हम अनुप्रस्थ काट काटे, यदि शिश्न की टीएस काटी जाए, टीएस होता है इस तरह की दाएं से बाएं काट काटी जाए, तो इस प्रकार की संरचना हमें इसकी टीएस में या अनुप्रस्थ काट में दिखाई देती है। सबसे पहले तो आवरण है, इसमें एपिडर्मिस का आवरण है, डर्मिस का आवरण है, एक ट्यूनिका एल्विजिनिया का आवरण पाया जा रहा है। ये तीनों एनवलप या आवरण होते हैं। दो डोरिया भी हमने पढ़ी है, पृष्ठभाग में है, उन दो डोरियों का नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा ये दो डोरिया होती है। एक डोरी अदर भाग में पाई जा रही है जिसे हम कॉर्पस स्पंजियोसम कहते हैं, ये कॉर्पस स्पंजियोसम है। और कॉर्पस स्पंजियोसम में से ही मूत्रमार्ग बाहर खुलता है। जैसे शिश्न की इस तरह की स्थिति है, पीछे की तरफ ये दोनों डोरिया मिलेगी, आगे की तरफ कॉर्पस स्पंजियोसम मिलेगा, उस कॉर्पस स्पंजियोसम में से मूत्रमार्ग बाहर की ओर ओपन होता है। तो तीन डोरियों से होगा, दो प्रकार की होती है, पृष्ठभाग की डोरी, पीछे की डोरी कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहलाती है, आगे वाली डोरी कॉर्पस स्पंजियोसम कहलाती है। इसके बाद शिश्न का जो शीर्ष भाग है, ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये शिश्न का शीर्ष भाग है, यह भाग फूला हुआ होता है और इस फूले हुए भाग को ही शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस कहा जाता है। हिंदी में इसे शिश्न मुंड बोलेंगे, इंग्लिश में इसे ग्लांस पेनिस के नाम से इसे जाना जाता है। शीर्ष भाग फूला हुआ होगा, शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस कहलाएगा, और इसका निर्माण केवल कॉर्पस स्पंजियोसम से होता है। ये अदर भाग वाली है, आगे वाले भाग के आगे वाले भाग में कॉर्पस स्पंजियोसम पाया जा रहा है, तो इसका निर्माण शिश्न मुंड का या ग्लांस पेनिस का निर्माण केवल कॉर्पस स्पंजियोसम से होता है। अब ये जो ग्लांस पेनिस है, इसके ऊपर भी एक आवरण पाया जाता है, जैसे त्वचा का आवरण है ये पूरा, इसके ऊपर भी एक एनवलप या आवरण इस ग्लांस पेनिस के ऊपर पाया जाएगा। त्वचा का एक आवरण इसके ऊपर उपस्थित होता है। ये जो आवरण है, इस आवरण को प्री प्यूस कहा जाता है। ग्लांस पेनिस को ढकने वाला जो आवरण है, उस आवरण को प्री प्यूस कहा जाता है। और प्री प्यूस की यह विशेषता होती है, यह आवरण मैथुन क्रिया के समय ऊपर की ओर चला जाता है, यानी मैथुन क्रिया के समय ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, जिससे ग्लांस पेनिस या शिश्नमुंड वाला भाग अनावरित हो जाता है या आवरण रहित हो जाता है। जब मैथुन क्रिया होती है, प्रीप्यूस आवरण ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाता है, जिससे शिश्नमुंड या ग्लांस पेनिस नग्न या आवरण रहित हो जाएगा। अब सामान्य अवस्था में तीनों डोरी, शिश्न की तीनों डोरियों में उपस्थित रक्त कोटर खाली रहते हैं और पेशियां संकुचित रहती है। इनके अंदर जो ये रक्त कोटर पाए जा रहे हैं, ये सिंपल स्टेज में खाली है, पेशियां भी इसकी संकुचित है। इसके अंदर जो मसल्स पाई जा रही है, पेशियां से बना है ना, पेशियां संयोजी ऊतक से, तो इसकी पेशियां भी संकुचित रहती है। लेकिन मैथुन क्रिया के लिए उत्तेजना होने पर, जैसे ही मैथुन क्रिया के लिए उत्तेजना होगी, तो इसके अंदर के रक्त कोटरों में शिश्न धमनी से रक्त आ जाता है। इन कोटरों में खाली जगह में रक्त आकर भर जाएगा, रक्त आकर भरेगा। दूसरी घटना ये होगी, इसकी जो पेशियां हैं, इनकी कॉर्पोरा कैवर्नोसा कॉर्पस स्पंजियोसम की जो पेशियां हैं वो फैल जाती है, और रक्त कोटरों के भर जाने के कारण और पेशियों के फैल जाने के कारण शिश्न फूलकर बड़ा और कठोर हो जाता है। जैसे ही रक्त कोष मैथुन क्रिया के लिए उत्तेजना होगी, ये रक्त कोटर भर जाएंगे, शिश्न धमनी से इनके अंदर रक्त आएगा, पेशियां फैल जाएगी, जिसके कारण शिश्न का आकार बड़ा हो जाता है और शिश्न कठोर हो जाता है, और इस अवस्था में ग्लांस पेनिस भाग नग्न हो जाता है। अभी बताया था मैंने, ग्लांस पेनिस पर आवरण प्रीप्यूस है, मैथुन क्रिया के समय जब शिश्न बड़ा और कठोर होगा तो ग्लांस पेनिस वाला भाग ऊपर की तरफ ही प्रीप्यूस चढ़ जाता है, जिससे ग्लांस पेनिस वाला भाग नग्न हो जाएगा। और इस प्रोसेस को इरेक्शन कहा जाता है, यानी शिश्न के आकार का बड़ा हो जाना, इसका बड़ा हो जाना, इसका कठोर हो जाना, इस प्रक्रिया को इरेक्शन के नाम से जाना जाता है। क्यों हुआ है, इसके आकार बड़े होने के पीछे रीजन क्या है,
बड़े आकार के कारण मैथुन क्रिया के समय शिश्न योनि में गहराई में प्रवेश करता है, जिससे कि शुक्राणुओं को गर्भाशय में आसानी से पहुंचाया जा सके। क्योंकि यदि आकार छोटा रहता तो जो शुक्राणु है उनको गर्भाशय तक आसानी से नहीं पहुंचाया जा सकता था, इसलिए इसका आकार बड़ा होता है। तो मैथुन क्रिया के समय शिश्न योनि में गहराई में जाता है, जिससे कि योनि का जो भाग जुड़ा हुआ है गर्भाशय का सर्विक्स, उस सर्विक्स भाग से शुक्राणु गर्भाशय के अंदर प्रवेश कर सके, इसलिए इसका आकार बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमारा नर जनन तंत्र समाप्त होता है। नर जनन तंत्र की प्रमुख संरचना एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहक या शुक्रवाहिनी, चौथा मूत्रमार्ग, पांचवी सहायक जनन ग्रंथियां, तीन प्रकार की होती है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, और छठा भाग होता है इसका शिश्न। ये सभी भाग आपस में मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण करेंगे। इनमें से वृषण जो संरचना है प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण इनके अंदर संपन्न हुआ। बाकी सभी जो भाग है नरजनन तंत्र के वो सहायक जनन अंग कहलाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा जनन क्रिया में सहायता प्रदान की जाती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।